सामने एकदम आपके यहाँ पे थैंक यू फिर यहाँ पर मैडम So let's call them one by one. Mr. KK Menon, जिनकी दुविधा से कहानी की शुरुआत होती है, क्योंकि आपने बहुत सही बात कही कि मतलब अब बताइए घर भी भाड़े पे देने के लिए भगवान को कमीशन देना पड़ेगा. तो आपने कभी लाइफ में भगवान को कमीशन दिया है? नहीं, मैं भगवान के साथ बिजनेस नहीं करता. ये भी अच्छा डायलॉग है गालिब सर, नोट किया जाए. सो हाँ, पोस्टर लग रही है. हटिए अब. केके सर, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द शूटिंग, एनी पार्ट ऑफ इट दैट यू वुड लाइक टू शेयर? The entire film shoot was great fun because of these guys sitting here. They'll be coming here. Yes. They were great fun to work with. जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, वही असल जिंदगी में भी है ये लोग. तो वो so it was great fun. I mean the entire atmosphere was superb. जो झूठे हैं, झूठा रवि दुबे. अब आपसे सवाल पूछने से पहले गीता तो नहीं लानी पड़ेगी ना, कसम दिलवाने के लिए सच बोलेंगे? हाँ जी, बिल्कुल. ओके, सो प्लीज टेक द माइक एंड सच सच बताइए कि कैसा रहा मिस्टर भट्ट का डायरेक्शन और आपकी इस कास्ट का कंपनी. ये तो होना ही है, कॉमेडी फिल्म. ये एक्चुअली प्लान्ड है, ये प्लांटेड है. या इट्स बीन सुपर्ब एट एवरी लेवल एंड लाइक केके सर सेड विद एवरीबडी देयर, एक अलग ही केमिस्ट्री वहाँ निकल के आ रही थी. और वो जो कुछ भी आपने स्क्रीन पर अभी देखा और जो बाद में आप 1 जून को देखेंगे, वो भी वो इसी का एक्सटेंशन है. सो वेदर इट इज़ आई फाउंड ग्रेट फ्रेंड्स इन करण, कुणाल, ऑब्वियसली पूनम, प्रिया, केके सर एंड अंकुश, बट द वे आई थिंक द थ्री ऑफ अस जेल्ड देयर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, इट वाज रियली गुड. यूजुअली हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री देखी जाती है, लेकिन यहाँ पे हीरो हीरो की केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है. और जो डायलॉग आपने ट्रेलर में बोला है, क्या आपको याद होगा? आप तो मतलब आप नींद में भी बोल सकते हैं जो आपने डायलॉग बोला है, बिल्कुल टंग ट्विस्टर की तरह. कच्चा पापड़ पक्का पापड़ से भी ज्यादा डिफिकल्ट टंग ट्विस्टर बोला है ऐसा लग रहा है आपने. वुड यू लाइक टू रिपीट? हां, कोई भी डायलॉग बोल दूं. हां, अच्छा तो बेसिकली मैं, हां चलो, कोई भी डायलॉग. इसकी चार लाइनें भी याद हैं तो आप बोल सकते हैं. हटा सावन की घटा, खाल कुजा, बत्ती पूजा, जाके सो जा, इंटुकले पिंटुकले, मंडी में खड़ी ली अंटी, बजारी ली बार बार घंटी, कूला घुमा के पच्चम को ले, भोतोलिया हटले पुटले छाना बन चले गए. सो नो, बट बेसिकली ये डायलॉग की स्पीड ऐसी क्यों है, वो इसलिए बिकॉज अंकुश, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग अबाउट द कैरेक्टर? जोरदार तालियां फॉर करण सिंह ग्रोवर एवरीबॉडी. बटर चोरी करता है, बटर. मैं माखन चुरा रहा था एक्चुअली, ब्रेड साथ में ले लिया. अच्छा, सो लाइक इन सिंक विद योर कैरेक्टर ऑफ लाइक विष्णु. यस यस, विष्णु. तो और किस किस तरह से कैरेक्टर में घुसे आप? वहाँ पे एक्चुअली वो था नहीं, बांसुरी. लेकिन विष्णु जहाँ होते हैं वहाँ राधा भी होती है. हाँ, और बहुत सारी होती हैं, उसमें क्या है, गोपियाँ भी होती हैं. तो थी बहुत सारी गोपियाँ भी, मेट मेनी मेनी गोपीज. थैंक्स टू अंकुश. तो बेसिकली चुराव माखन एंड बी अराउंड विद अ लॉट ऑफ गोपीज एंड मी बी मेरी मोर द मेरी अदर से. मतलब आपका तो सबसे ज्यादा कलरफुल था ना पार्ट, की भी गोपियाँ भी हैं कलरफुल. जी, कलरफुल सबसे ज्यादा मेरा था पार्ट. लेकिन आपको देखकर लगता नहीं, लेकिन इनको देख के, इनको देख के नहीं, बिकॉज यू नो किशन कन्हैया, द गोपीज एंड द बटर एंड, बट आपको देख के लगता नहीं आप माखन चुरा कर खाते हैं, आप बेचते हैं क्या? मैं कुणाल के लिए चुरा रहा था एक्चुअली. वो सब चोरी मैंने उसके लिए की थी, क्योंकि वो क्या है ना, वो बाकी सब जो करता है उसके साथ माखन की जरूरत पड़ती है. ओके,
ओके नाउ इट ऑल मेक्स सेंस. और वो बाकी सब जो करते हैं आपने ट्रेलर में देखा है, ही इज द चर्सी. सो नो वो कैरेक्टर है ना. सो ओके सो प्लीज लेट्स वेलकम कुणाल रॉय कपूर. एंड हाय कुणाल. हेलो. सो कुणाल, फिल्म में आपको चर्सी बना दिया गया है, आप रियल लाइफ में कुछ मतलब एनीथिंग? हाँ क्या कहा आपने? कुछ नहीं, वो वैसे सुन लिया सबने. जब इतना छोटा हॉल हो तो उसके फायदे. ओके सो आपको चर्सी बना दिया गया है एंड ये कह रहे हैं कि बैड बॉय इन्होंने कहा आपको अभी. नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आई डोंट थिंक वो चर्सी नहीं है, बस एक आध बार वो चरस मेडिटेशन वो क्लेंजिंग के लिए, वो क्या कहते हैं वो क्या प्रसाद. जब इस तरह की फिल्म बनती है, इतना फन एंड अमेजिंग कास्ट होता है, तो सेट पे भी बहुत सारे कांड होते होंगे, तो एनी पर्टिकुलर कांड यू वुड लाइक टू शेयर? कांड काफी सारे हुए हैं. एनी मतलब जो मतलब थोड़े सेंसर्ड हों. टेल देम दैट यू आर द कांड. आई एम. राधा जी, ये जो एक ही किशन कन्हैया थे या सेट पे और भी किशन कन्हैया दिखे आपको मिले? एक काफी है. हाउ स्वीट, व्हाट अ स्वीट राधा मैन. तो व्हाट वाज योर role and what was your experience of the first? I would like to thank Ankush Bhatt for it, and he made it possible for me. Thank you everyone, and congratulations to all the team, because all of us were really looking forward for this day and the trailer release. So I would like to thank Ankush Bhatt, all my co-actors Ravi, Kunal, and everyone, KK sir, everybody. It was a lot of fun, and I played the role which I really loved the most, and I only want to thank Ankush for it, and all the producers. Both the producer Chintan ji, thank you, and we had a lot of fun, and I loved playing Radha. Prank to nahi khela, kuch prank to nahi kiya, wo idhar nahi batayenge. Acha. Oh, Priya Banerjee, the beautiful and glamorous leading lady. Priya, what was your role in the movie, and anything you'd like to share about how you became a part of the project? I am playing Avani, who's with Brahma, basically Saraswati. I mean, of course, Ankush, I will thank you for that, because he called me and he narrated the script to me. And I loved it. Like, right away, I was like, this is a film that I would love to do, because it just sounded so much fun and so much energy in the script itself. So executing it was way more fun than that, because I think it's turned out so amazing when I watch it right now on screen. It just looks really, really worth all the effort that we've put in it. So you are Saraswati, right? So Saraswati, ko to kehte na, wo Saraswati ka vardaan hota hai, unka matlab awaaz wagera bahut achhi hoti hai. तो फिल्म का कोई गाना याद आ रहा है आपको? आई एम श्योर इतनी अच्छी फिल्म है. अच्छा नहीं, एक लाइन से ऊपर नहीं गवाएंगे, डोंट वरी. मैंने किया था. व्हाट डू यू मीन बाय किसी और ने किया था? मतलब अगर आप सरस्वती प्ले कर रहे हो तो जरूर उनका वरदान मिला होगा. एजुकेटेड, यू नो, गोस टू स्कूल एंड काइंड ऑफ ऑल. फिर भी हां, ऑफ कोर्स मैं गाना भी गा लेती हूं. सरस्वती इज वेरी एजुकेटेड. जस्ट सिंग ब्रह्मा ब्रह्मा. इसको कैसे गाएंगे? Like there has to be a great song in the movie which you are. There are amazing songs. मैं नहीं गा रही हूँ, but नहीं. भगवान actually में आ जाएंगे. अभी मैं गाने लाऊंगी तो you know they're actually like. All right, so we will keep it for the music launch. Absolutely. आप अभी तैयारी करना शुरू कर दें. Okay. तो music launch के लिए उसको रखते हैं. And of course now I would like to call the producer Chintan Rana. Okay, Karan. We are seeing you after a long time. Yes, ma'am. In fact, after your wedding, I think, right? Yes. Yeah. Why did it take so long? I actually had nothing to do with it. I was doing everything from my end, but wo kandhe nahi mil rahe the bandook rakhne ke liye. Aur dusre kandhe jo mile the uske baad humne we've actually shot for another film, Ankush and I,
which is also there's a little bit of it left, so that should finish now after this. And KK sir is also a part of it, but that's the other one. So let's not talk about that. What was the reaction of Bipasha? You must have discussed the intriguing tale with her, maybe. She loves the concept of it. She loves the fact that we're touching a subject where it kind of makes you question your own faith, the faith that you have, and what you have faith in. So and told in a way which is not hurtful to anybody's, you know, emotions or anything like that, or beliefs. So it's a great story. She loved it. रवि जी आपसे सवाल करना चाहूंगी. रेखा खान नमस्कार. नमस्कार जी. आप टेलीविजन में बहुत अच्छा काम आपका देखा है. बहुत बहुत शुक्रिया. तो टेलीविजन से अब फिल्मों में किस तरह का, मतलब ये रोल आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, या किस तरह से आप हम आपको एक अलग तरीके से देख पाएंगे? जी अव्वल तो एक फेथ दिखाना अंकुश का इस तरीके से, ये एक बहुत बड़ी बात है, मायने रखता है. बहुत ही सादी फिल्म है, एक ऐसी फिल्म है जो पूरे परिवार के साथ देखी जा सकती है. So that was a big priority for me when it came to what film I choose to associate with. Television ne bahut izzat di hai. Aaj main aap logo ke samne khada hu, aap log ye film dekhna chahenge, kuch log meri wajah se bhi dekhna chahenge. Wo isliye hai kyunki television ne wo backbone di hai mujhe, and I'll always be indebted to television, and that's because families have watched me. So I will always choose cinema there where families can enjoy my work whenever I do films, and I'm very grateful ki ye jo pehli picture Ankush ne mujhe di hai, वो एक पारिवारिक पिक्चर है और पूरी दुनिया इसको बैठ करके देख सकती है. सारा परिवार आपके सबसे छोटे सदस्य से लेकर के सबसे बड़ा सदस्य तक. आजकल का दौर ऐसा है कि हमें, मतलब, एक भगवान पे या गॉड पे एक फेथ की बहुत ज़रूरत हो गई है. यानी हम अपने समाज में या आसपास जो चीज़ें देख रहे हैं, बहुत, मतलब, हमें बहुत ज़्यादा हमें अंदर तक हिला रही है. तो आपकी ये फिल्म मतलब कुछ इस तरह का एक पॉजिटिव संदेश, या कोई भगवान की तरफ एक फेथ, या उस तरह की दिशा में ये कुछ ले जाएगी, या एक कॉमेडी या मनोरंजक ही सिर्फ? देखिए, बिना फेथ का ये दुनिया चल नहीं सकता, पहली बात. फेथ हर प्रकार के होते हैं. कुछ भगवान पे फेथ होता है, कुछ अपने आप पे फेथ होता है. तो ये कहानी पूरी की पूरी विश्वास के ऊपर निर्धारित है. मैं कहना चाहता हूँ, एक हमारी फिल्म में एक हमने बनाया एक श्लोक है, उपड़ दी गुड़गुड़ दी अनेक स्ते बे ध्यान दी पाव पटे तक देखियो एन लाइटन दी लालटेन. अभी ये है एक एक हम जो तीनों हैं, हम लोग हम बचपन से फिल्म में हम लोग ये श्लोक बोलते रहते हैं, और क्योंकि लोग हमें बिलीव करने लगते हैं तो वो ये श्लोक भी मान लेते हैं, क्योंकि जबकि उनको पता भी नहीं कि एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है. तो जस्ट ब्रिंगिंग आउट वॉट यू हैव फेथ इन एंड हाउ स्ट्रॉन्ग योर फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप किस चीज़ में मान रहे हैं और आपका जो फेथ है वो कितना स्ट्रॉन्ग है. दिस इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू शो इन द फिल्म. अच्छा, मैं ज्योति वेंकटेश, वेलकम टू द गर्ल्स इन बॉलीवुड. प्रिया और पूनम, दोनों अपने बारे में बताइए, इसके पहले कितने फिल्मों में काम किया, कहाँ कहाँ? काम किया है साउथ में किया है, पूनम ने भी किया है साउथ में, एक्चुअली बोथ फ्रॉम द साउथ. हिंदी में भी किया है. माय फर्स्ट फिल्म वाज जज्बा एक्चुअली इन हिंदी. सो इट्स बीन ग्रेट, इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी सो फार लिविंग इन इंडिया, वर्किंग इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, नोइंग द पीपल लिविंग हियर, वर्किंग इन द वर्क एथिक्स एंड एवरीथिंग. It's been great so far. So, and I've enjoyed working in this project because, I mean, it didn't feel like work. We had so much fun shooting for it, not just because it was comedy, but I guess all of our chemistry was so amazing offset, on screen. It didn't feel like work at all. And I think that's what you'll see on screen when you see the movie, that not just, you know, the chemistry between the guys and all of us is just so wonderful. And it's just a pleasure to watch. And Poonam, you have come from South. Which languages you have acted in? Telugu, Tamil? I have acted in all the languages in South. Telugu, Tamil, Kannada, and just one film in Malayalam. And I should actually really confess this. My faith in God and love for the character got me this role. If it was not for that, I don't think I would have played Radha. And the time at which this is releasing, it's almost the time where I thought, okay, fine, theek hai. Ankush, bahut time ho gaya. I think I'll quit films and all that.
But yes, it has brought me back to something which I really, really love. Yes, I'm even doing television. I'm working with Bahubali producers, and I'm working in different in films and TV and everything. So I just think it's timing, luck, faith in God, and your perseverance, which takes you everywhere. So let it be South or Bombay, I think it's all the same. But I had loads of fun shooting for this one, and all of us are amazing. I mean, all of you are amazing. And one question for both the actresses, since the title is Tridev, you are not slightly different. Why should we be part of Tridev when Devis will not get but any importance? But the Tridevs cannot be Tridevs without the Devis, right? So ours was equally as important. हाय सोनल आप तीनों बहुत अच्छे कलाकार तीनों नहीं सारे ही हैं लेकिन मैं त्रिदेव की बात करूं क्योंकि त्रिदेव की बात कर रहे हैं जब पहला पोस्टर आउट हुआ था तो मैं अंकुश जी से मिली भी थी क्योंकि देखिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जैसे पोस्टर आउट हुआ पोस्टर पर जो हमारे तीन देवता हैं जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं बिलीव करता है हर कोई और उसमें उसी उनकी इमेज पर आप लोगों का फेस लगा हुआ था भगवान आ रहे हैं अंडर कवर भगवान आ रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि धार्मिक जो बेत फेथ रखते हैं जिनका धार्मिक बिलीव है उनको कहीं ना कहीं से क्षति पहुंचेगी क्योंकि आप एक्टर्स हैं डेफिनेटली आपके फैंस हैं जी फर्स्ट पोस्टर के बाद आज ट्रेलर रिलीज हुआ है और आप लोगों का मुझे इंतजार था तो ये सवाल मैंने फिर से पूछा है आप लोगों से जी जो भी जवाब देना चाहे नहीं मुझे नहीं लगता है कि किसी को चोट आएगी मैन दिस थिंग इज क्या कि हम लोग हम भगवान के कितने भी रूप दिखा लें और कितने भी रूप मान लें एक्चुअली इन द एंड भगवान ही की है और वो उसी ने हम सबको बनाया तो थोड़ा उस भगवान का पार्ट हम सब में है और अगर हम हमारी तीनों की फ़ोटोग्राफ छोड़ के किसी और की भी फ़ोटो लगाएंगे तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि उसी सेम भगवान ने हम सबको बनाया और वही सेम भगवान हम सबके अंदर रहते हैं तो ठेस मानने वाली बात नहीं है ऐसा नहीं कि हम लोगों को हम डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो करते हैं बट डिफरेंट रिलीजन्स के डिफरेंट गॉड्स ने डिफरेंट लोगों को नहीं बनाया एक ही भगवान ने एक को है सबको पर बॉलीवुड में ट्रेंड है ना भगवान को लेकर कई फिल्में जैसे बनती आई हैं उसी पर मेरा सवाल था जी ऑन अ लाइटर नोट इफ यू हैड टू बी एन अंडरकवर गॉड फॉर अ डे व्हाट इज दैट वन बून यू वुड ग्रांट बिपाशा वाओ मैन शी इज अंडरकवर गॉडेस हरसेल्फ So not like she would need anything from an undercover god, but still she's Durga actually. Yeah. But if I could, I don't know really, man. What I want to say is it's very selfish and it's not very godlike. But no, you can to buy an island for her, you know, just say that. Yeah, I know that you're lady god, hai. Okay, goddess. Hai. शायद आपने ये नहीं सोचा होगा बट ये आइलैंड मैंने आपके नाम पे किया क्योंकि मैं अंडरकवर भगवान हूँ एक दिन के लिए एक और सवाल है आज अगर आप लोग ऐसी फिल्में देखेंगे जैसे ओ माई गॉड थी और उसके पहले गॉड टू सी ग्रेट हो अगर हॉलीवुड में भी अगर ऐसी फिल्में देखेंगे ब्रूस ऑलमाइटी हमेशा व्हेन यू सी गॉड कमिंग डाउन ऑन अर्थ उनको आदमी के रूप में दिखाते कभी स्त्री के रूप में क्यों नहीं गॉडेसेस क्यों नहीं वो हमारी बैकवर्ड थिंकिंग है सर एक्चुअली वो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जो विमेन हैं और जो विमेन जो रूप हैं इट्स अ मच हायर स्पीशीज देन मैन वो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं तो हम अपने से ऊपर किसी को देख ही नहीं पाते तो अगर जिस दिन हम सबको एज कलेक्टिवली कलेक्टिव कॉन्शियंस हमको समझ आएगा कि women are a higher species than men then hum shayad usko differently dekhne lagenge Karan did you realize this only after getting married to Bipasha and what were the come on be a support I am ma'am yes and I mean what were the things that made you realize this after getting married to Bipasha no it started from birth actually because the lady who gave birth to me was also a woman only so how mothers and wives and daughters how their capacity to do everything and make it look so easy like it's a part of like it's a part of it's like I called my mother after getting married and I told her that you know you why did you make it look so easy
when you were doing everything. आपने कभी ऐसे दिखाया नहीं कि बहुत मुश्किल लग रहा है आपको ये सब करना, पूरा अपना काम संभालना, घर संभालना, हस्बैंड संभालना, दो बेटियों को संभालना, तो व्हाट डिड यू मेक इट लुक सो इजी? क्योंकि हमें लगा था कि जब हम बड़े होंगे एंड वी विल बी डूइंग एवरीथिंग इट विल बी ऑल वेरी इजी, बट वी रियलाइज दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड स्पेशली मेन. आई डोंट नो, आई एम जस्ट टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी. वी कैन ओनली डू वन थिंग एट वन टाइम, तो वो बहुत मुश्किल होता है. एंड 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 to realize and to accept the fact that women do everything all the time together with such ease is something that you have to be blind or stupid not to. Yes, multitasking and make it look easy, like it's part, it's like you're breathing, it's normal for you. Since you added one, thank you, Karan. Thank you for this. Yeah, one. Thank you so much. And you added something about daughter also. So are you all planning? Well, we have not started planning yet, ma'am. करण, हाय, ज्योति फ्रॉम जूम. मेरा सवाल आपसे है कि कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ आई थी कि आप और विपाशा कोई फिल्म कर रहे हैं या तो फिर वेब सीरीज़, कितनी सही है ये न्यूज़? मैं इसके बारे में यहाँ बात नहीं कर सकता हूँ मैम, क्योंकि ये हमारी फिल्म के बारे में, बट काफ़ी सही है, हो सकता है मतलब. नहीं, आप बताई भी दीजिए ना अगर कन्फर्म है. नहीं नहीं मैम, ये मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि उसका अनाउंसमेंट मैं नहीं कर सकता. वेब सीरीज है कि फिल्म है, ये तो बता सकते हैं ना? जी अभी तो मैं कुछ याद नहीं आ रहा, त्रिदेव के सिवा क्या कुछ तो था. देखो त्रिदेव, आई कांट डू मोर देन वन थिंग इन वन टाइम, कोई ना प्रॉब्लम हो गया. ओके, रवि, आपकी फैमिली का मतलब आपने टीजर दिखाया होगा, पोस्टर्स, क्या रिएक्शन था? वो लोग बहुत खुश हैं, परिवार है, वो तो खुश होता ही है. एंड दे लव द फिल्म, यू नो, दे लव द ट्रेलर, दे हैव सीन इट. And like I said, you know, पूरा परिवार साथ में बैठ के देख सकता है, और मेरा परिवार तो definitely देखेगा. Brilliant यार, आध्यात्म छोड़ देते हैं फिलहाल, है ना? I do believe in God, yes.